दिनेश और संगीता एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते थे। दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों की जात भी एक थी, इसीलिए दोनों ने कुछ साल के बाद शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। संगीता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए दिनेश उससे और भी ज़्यादा प्यार करता था। वक्त बीतता गया और एक दिन संगीता को चर्म रोग हो गया। अब वो पहले की तरह सुंदर नहीं लगती थी। वो मन ही मन ये सोचती थी कि कब दिनेश मुझसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन दिनेश तब भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन दिनेश ऑफिस से घर आ रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने संगीता को बता दिया कि अब वो नहीं देख सकता है। यह सुनकर संगीता बहुत ही दुखित हुई और खूब रोने लगी, लेकिन दिनेश ने उसे समझाया कि इसमें रोने की क्या बात है, मैं तुमको पहले से भी ज़्यादा प्यार करूँगा और जान लो कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा खुश रखूँगा। मुझे तुम्हारे चर्म रोग से कोई भी दुख नहीं है और जानते हो सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि मुझे अब तुम्हारी चर्म रोग भी नहीं दिखेगी। जानते हैं बाद में दोनों एक साथ रहने लगे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे। एक दिन संगीता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। दिनेश खूब रोया, रो रो कर बीमार हो गया, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो फिर से सब कुछ देखने लगा। तभी उसका एक दोस्त मिला और पूछा, अरे भाई तुम तो अंधे हो गए थे ना, फिर कैसे सही हो गए? दिनेश की आंखें नम थी। उसने बोला, मैं अंधा नहीं था, मैं अपनी पत्नी के लिए ये ड्रामा कर रहा था। जब उसको चर्मरोग हो गया था ना, तब उसे लगता था कि वो अब पहले की तरह सुंदर नहीं है और उसे हमेशा ये लगता था कि दिनेश को शायद मैं पसंद नहीं आती होंगी। लेकिन मुझे ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा थी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा थी, भला मैं उसे कैसे पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने ये ड्रामा किया ताकि वो खुश रहे। मैंने उसे कहा कि मैं अंधा हो गया हूँ, मैंने सोचा कि वो खुश रहेगी, लेकिन ये क्या, वो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। जानते हैं ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता है। एक पत्नी के लिए अपने आप को अंधा बना देना ये कोई मामूली बात नहीं है। सच में अगर कहा जाए ना तो सच्चा प्यार तो ये है। वाह, धन्य हो आप भी। दोस्तों एक बात हमेशा कहूँगा कि आप जिनसे भी प्यार करते हो ना, चाहे आप अपने माता पिता से, भाई बहन से, अपने दोस्तों से या फिर सगे संबंधियों से, आप उन्हें कभी भी ये एहसास मत होने दो कि आप उसे नापसंद करते हो, ठीक है ना? तो ये होता है सच्चा प्यार। तो आज की वीडियो में इतना ही।